ठंडा नहीं करके रखा है, ठीक लग रहा है? श्योर, गुड। बुक है आप लोगों के पास, कौन सी बुक लेकर के आए हो? फर्स्ट वाली ना, ओके। ये लो बच्चा, आप फर्स्ट वाली लाए? ओके ओके, गुड गुड गुड। संपूर्ण सेन से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? अरे घर पे तो बैठे, कलकत्ते में है कि कलकत्ते के बाहर है? थोड़ी इस टाइम पे आप रोड में घूमते रहेंगे, गजब ही है, मतलब कुछ भी। ओके ओके ओके। सुनिए, सीए फाइनल में बच्चे लोग आजकल क्लास करने नहीं आना चाहते, सबको गूगल ड्राइव पेन ड्राइव चाहिए, नहीं समझे? 100 बच्चे होते, 4 बच्चे क्लास करने आते हैं। चलो क्लास स्टार्ट करें। सुनिए ना, मैं जब 9:15 बजे क्लास खत्म होने का टाइम आएगा, मैं कुछ बातें बोलूंगा आप लोगों को। तब तक अपने लोग पेज नंबर 1 खोलिए अपनी बुक का। संपूर्ण ये वाली बुक है ना आपके पास, देखो अभी हम लोग इसी बुक को पढ़ेंगे। पहले ओके ओके, सुनना, इसका फर्स्ट पेज का फोटो खींच करके ग्रुप में भेज देना। आप ग्रुप में एडेड है संपूर्ण? यस सर। फर्स्ट और सेकंड पेज का, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पेज का फोटो खींच के बच्ची को भेज देते एक बार। क्या नाम बेटा तेरा? विश्वेश। आपका क्या नाम है? ओके। सुनिए, मैं स्टार्ट करता हूं। हाँ, सीए फाइनल में रेडी, मई 2024 से आप लोग कब एग्जाम दोगे? विश्वेश तुम कब देगा? मई 25। तुम अभी दे देगा? ओके, मई 25। हाँ तो टाइम है बहुत आप लोगों के पास, गुड। संपूर्ण आप कब एग्जाम दे रहे हो? नवंबर 25। ओके ग्रेट, तब तो बहुत टाइम है। सुनिए, आप लोगों का जो नया सिलेबस लॉन्च किया ना अभी, जो मई 2024 में पहली बार बच्चे एग्जाम देंगे, उसमें 1 सेंटीमीटर का भी चेंज नहीं किया। मतलब पूरा बुक एज इट इज है, पूरा सेम टू सेम है, जो पुराना बुक था वही बुक है। ओनली 2 न्यू चैप्टर्स आर एडेड एंड दे आर, एक प्योर थ्योरी है जिसमें टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करेंगे अकाउंटेंसी में, उसको लेकर के है, और एक है एथिक्स के ऊपर। तो 2 छोटा-छोटा टॉपिक ऐड किया है और बाकी पूरा सिलेबस सेम है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि दे विल बी फॉर द फर्स्ट टाइम इन अकाउंटेंसी 30 मार्क्स का एमसीक्यू डालेगा। अब वो एमसीक्यू का स्टैंडर्ड कैसा होगा वो किसी को नहीं मालूम, बट मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि हम लोग जो क्लास में पढ़ेंगे ना, जो जैसे पैराग्राफ्स लिखे हुए मेरी बुक में, एक एक छोटा छोटा पैराग्राफ्स लिखा हुआ देखिएगा। एक तो अगर थ्योरी क्वेश्चन डालना होगा ना, तो उस पैराग्राफ से कुछ कुछ चुन के डालेगा। एंड नंबर 2, जैसे हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, ठीक है, उसमें जो फिगर निकलता है कोई भी एक चीज का, फॉर एग्जाम्पल मान लो हम कंसोलिडेशन पढ़ा रहे हैं आपको, उसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट का एक अमाउंट निकला। माइनॉरिटी इंटरेस्ट को, माइनॉरिटी इंटरेस्ट नाम सुना आप लोगों ने? उसको फाइनल में एनसीआई बोलते हैं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ठीक है। तो उसका कैलकुलेशन मांग लेगा, गुडविल का कैलकुलेशन मांग लेगा। तो हम लोगों को ना बच्चा कब पता चलेगा पहली बार, बोलो तो? जब पहली बार ये लोग मॉक टेस्ट कंडक्ट करेगा, ICAI जब पहली बार मॉक टेस्ट देगा ना, लेगा, तब हम लोग को पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये लोग MCQ में किस लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो लोग भी मई 24 में एग्जाम देंगे, आप लोग अकाउंट्स का MCQ, अकाउंट्स का आप लोग जरूर दीजिएगा जितना भी हो, ठीक है।
अमेंडमेंट्स कुछ नहीं है, अमेंडमेंट्स आर वेरी फ्यू, कुछ भी नहीं है वर्चुअली अगर बोले तो। लास्ट सेमेस्टर में मैंने जो पढ़ाया ना वो एज इट इज एप्लीकेबल, हार्डली दो चार छोटे छोटे एक एक सूता के अमेंडमेंट्स हैं। ठीक है, तुम लोग जो मई 2025 में एग्जाम दोगे, तुम लोग क्या करना कि जितनी बार एमसीक्यू होता है तो बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है, सीधे एग्जाम वाला एमसीक्यू देते हैं, बीच में भी जितना एमसीक्यू होगा, जैसे ये बच्चा मई 24 वाला एमसीक्यू देगा तुम भी दो, नवंबर 24 वाला दो, अकाउंट्स का तो दो कम से कम, तब तक तुम्हारा अकाउंट्स हो जाएगा तो अकाउंट्स वाला तो दो, डन। तो आप लोग प्रॉमिस करते हो कि एमसीक्यू इंस्टीट्यूट जब भी लेगा आप लोग जाकर के बैठेंगे उसमें, ठीक है। और हम लोग क्लास कैसे कंडक्ट करेंगे, कैसे कैसे मैं लाइव क्लास लूंगा, कैसे कितना क्या लूंगा मैं, वो मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। चलो कॉपी में लिखो, सुनिए, गुड जलक्ष्मी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, गुड गुड। चलिए, आपके पास ये बुक है, ग्रुप में देखिए आप लोगों के पास वो आया होगा एक पीडीएफ जैसा या फोटो आया होगा, बुक वहां से खोल के रखिए, दो तीन दिन में आपके पास बुक पहुंच जाएगी। सी सीए फाइनल का जो पूरा सिलेबस है ना, अच्छा सुनिए एक दो बात और, मेरा जो बुक बनाया हुआ है वो लेटेस्ट मैंने बनाया, अभी लास्ट सेमेस्टर में ये बुक बनाई पहली बार ना, पूरा इंस्टीट्यूट का 100% इलस्ट्रेशंस का, इतना देरी, पूरा इंस्टीट्यूट का 100% इलस्ट्रेशन इसमें कवर्ड है, एक्सरसाइज सारा कवर्ड है, पुराना मेरी तरफ पुराना जितना एमटीपी आरटीपी वगैरह सब इसमें कवर्ड है। अब नया जो भी एमटीपी आरटीपी आएगा वो आप लोग बोले हो, आप लोग खुद ही दोगे एग्जाम के पहले, और अभी से भी जब भी एग्जाम इंस्टीट्यूट लेगा तब आप मॉक टेस्ट देने जाओगे। तो आपको एज सच अगर आप बुक नहीं भी पलटते हो, मैं नहीं बोलता पलटना मत, इंस्टीट्यूट का बुक है पलटना जरूर, तुमको मिला है मैंने वो देखने के लिए और पढ़ने के लिए मिला है, बट इसमें पूरा इंस्टीट्यूट का बुक और पास्ट पेपर्स वगैरह सब कुछ कवर हो जाएंगे आप अगर इतना कर लेते हो तो। बहुत एक्सटेंसिव है मेरा, जो पास्ट सेमेस्टर में जो लास्ट बैच में मैंने नंबर ऑफ क्लासेस लिया था देवर अराउंड 140 क्लासेस, अप्रॉक्सीमेटली 350-450 घंटे का टोटल लेक्चर है। ठीक है, मेहनत थोड़ा ज्यादा है सीए इंटरमीडिएट से, डन स्टार्ट करते हैं। देखो सीए फाइनल का पूरा सिलेबस इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे है, इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोड़ के आपके सिलेबस में और कुछ भी नहीं है। वो दो घटिया टॉपिक उन्होंने डाला, एक कोड ऑफ कंडक्ट वाला, एथिक्स वाला और टेक्नोलॉजी वाला, वो बेकार उनके क्या मन में आया डालना चाहिए बट डाल दिया, अदरवाइज इसको छोड़कर के आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट कि इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। और एक बात बोलना था कि आप लोग ना बहुत कम आप लोगों को लिखना पड़ेगा कॉपी में, फिर भी आप अगर कॉपी में कुछ भी लिखते हो आपके ऊपर, आपको जो लिखने का मन है आप लिखो, मेरी बुक में सब कुछ बहुत क्रिस्प तरीके से अच्छे से प्रिसाइजली लिखा हुआ है, डन। लेकिन हम जो भी एग्जांपल लिखेंगे यहां पे, कोई भी चीज एक्सप्लेन करने के लिए फिगर वर्क मेरे को जब भी चाहिएगा तो मेरे बिना बोले आप लोग कॉपी करिएगा। ओके, एक छोटा सा मेरा गंदा आदत है कि मैं बच्चे लिखते रहते हैं बोलता सुन ना यार लिख लेना बाद में, तो बाद में होता नहीं है, तुम लोग अपना लिखते रहना, भले हम बोलते भी रहे डांटते भी रहे ना, तुम लोग अपना लिखते रहना, डन। आइए स्टार्ट करते हैं, पहला पॉइंट ना डिस्कशन का, फर्स्ट पॉइंट, पहला चैप्टर है, कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ऐसा बात करना कोई सेंस नहीं है। ठीक है, अपने सिलेबस में एज ऑन टुडे 35, एक बार काउंटिंग करते हैं 35 है कि 37 है, पीछे जरा पलटो तो बेटा पेज नंबर 3 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, हाँ तो 35 छोड़ दो, काउंटिंग मत करो मैंने कर लिया। अपने सिलेबस में 35 नंबर ऑफ इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अपन वो 35 इंड डेज पढ़ ली, अपना सिलेबस कंप्लीट हो गया।
डन। पहला डिस्कशन करते हैं इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बैकग्राउंड क्या है। अच्छा, इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बैकग्राउंड क्या है, इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की शुरुआत कब से हुई, क्यों हुई, इंडिया कैसे कैसे इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तरफ मूव किया, कब हम लोग सक्सेसफुल हुए, ठीक है। ये अपना पहला लेक्चर होगा इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जानने को लेकर के। ओके, सो आई स्टार्ट फ्रॉम दिस प्लेस कि इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है, ये क्या है मैं बता रहा हूं थोड़ी देर बाद, IFRS कन्वर्ज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो हिंदुस्तान में बनाए गए हैं। और आइए, बुक वन पेज वन खोल लीजिएगा। रेडी? सो मैंने क्या बोला, इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS कन्वर्ज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो इंडिया में बनाए गए हैं। ओके, अब आप बोलेंगे सर इंटरमीडिएट में हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते थे और फाइनल में हम लोग इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, तो दोनों अलग अलग चीज है। आंसर इज यस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आप इंटरमीडिएट में पढ़ के अभी आए हो, दे आर द ओल्ड सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल ऑन यू कैन से स्मॉलर कंपनीज इन साइज, और वो साइज है नेटवर्थ 250 crores। अगर किसी कंपनी का, आइए आ जाओ, आ बैठे, कोई बात नहीं, बोलूं, अगर किसी कंपनी का नेटवर्थ 250 करोड़ से नीचे है, नेटवर्थ का मतलब टर्नओवर नहीं, क्या होता है नेटवर्थ, हाँ, असेट्स माइनस लायबिलिटीज, हाँ, या फिर बोलो कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस को इंटरमीडिएट में क्या बोलते थे, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। फाइनल में आप उसको बोलोगे इक्विटी, डन। शेयर होल्डर फंड हम लोग फाइनल में यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, तो अगर कोई कंपनी का नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है, कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस इक्विटी 250 करोड़ से कम है, तो वो एग्जिस्टिंग AS फॉलो करता है। डन। एग्जिस्टिंग AS मतलब वही जो तुम इंटरमीडिएट में पढ़ के आए। और अगर कोई कंपनी का नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, एंड या फिर बोलो आई, और अगर कोई लिस्टेड कंपनी है, फिर उसका नेटवर्थ चाहे कुछ भी हो, अगर आप लिस्टेड हो गए तो आपका कुछ भी नेटवर्थ हो, इवन नेगेटिव नेटवर्थ भी अगर है, तो भी आपको इंड AS फॉलो करना पड़ेगा। सो वन लाइन में अगर बोले कि किनको इंड AS अप्लाई करना है, द आंसर इज, बोलो, लिस्टेड कंपनियां जो लोग हैं, चाहे कोई भी नेटवर्थ हो, यू हैव टू फॉलो इंड AS। टू, लिस्टेड कंपनी अगर नहीं है, आप अनलिस्टेड ग्रुप में हैं, तो आपका नेटवर्थ अगर 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो आपको इंड AS फॉलो करना है। क्लोज। इंडिविजुअल लोगों को चाहे कितना ही बड़ा नेटवर्थ हो, दे डोंट हैव टू फॉलो इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर ओनली एप्लीकेबल ऑन कॉर्पोरेट्स। तो इसका मतलब यह हुआ कि इंडिविजुअल मुकेश अंबानी, नॉट टॉकिंग अबाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंडिविजुअल मुकेश अंबानी का नेटवर्थ हो सकता है 4 लाख करोड़ रुपए का हो, क्या करेगा वो, उसकी भी तो बैलेंस शीट बनेगी। जी भाई साहब, मेरी भी तो बनती है, मेरा खैर 40 करोड़ का नेटवर्थ होगा मान लो, पर मेरी भी तो बैलेंस शीट बनती है, हमको क्या फॉलो करना है, जल्दी AS फॉलो करना है। और इंड AS कॉर्पोरेट एंटिटीज को ही सिर्फ फॉलो करना है, वो भी सिलेक्टेड कॉर्पोरेट एंटिटीज। क्लोज कर दूं, क्लियर है? अब ये सब चीजें MCQ में आ सकती है, नया जब MCQ बनेगा तो वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं कि सर एप्लीकेबिलिटी का पूरा सिस्टम, पूरा स्टेटस, एवरीथिंग आज की क्लास में डिस्कस होगा और आज हम लोग क्लोज करेंगे उसको। ओके, बिफोर दैट, इंड AS है क्या चीज? आंसर इज न्यू सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, न्यू सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर्ड इन कन्फर्मिटी विथ IFRS।
गॉट द पॉइंट, बट नॉट एग्जैक्टली अडॉप्टेड, मतलब वहां से हम लोग कॉपी पेस्ट नहीं किए. जैसे कैनेडा, मैं IFRS के बारे में जाऊंगा थोड़ी देर के बाद, जैसे कैनेडा है, ऑस्ट्रेलिया है, इन लोगों ने क्या किया मालूम, IFRS को एज इट इज अडॉप्ट कर लिया. मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं किया. व्हाट इज IFRS, दो मिनट के बाद बोल रहा हूं. हम लोगों ने जब हिंदुस्तान में इंड एस बनाया ना, हमने IFRS को अडॉप्ट नहीं किया. तो सर आप लोगों ने क्या किया, हमने मतलब हम इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, सब इंड एस वगैरह एस वगैरह इंस्टीट्यूट बनाता है, ये तो मालूम ही होगा आपको. कौन बनाता है इंस्टीट्यूट के अंदर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. तो अगर आपको एक क्वेश्चन पूछूं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, द आंसर इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो कि ICAI के अंडर में बना हुआ है. ड्रॉप, ये सब MCQ में आने के चांसेस हैं, साइड रखा गया. अब क्या हुआ कि जब हम लोगों के यहां पे इंड एस बनाने का वक्त आया, जब इंस्टीट्यूट को लगा कि हम लोग को अब इंड एस बनाना चाहिए, या फिर या बोलो कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंस्टीट्यूट को बोला कि अब आप लोग इंड एस का तैयारी कीजिए, आप लोगों को बनाना है, देन व्हाट दे डिसाइडेड कि हम लोग IFRS का सोल को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, हार्ट एंड सोल ऑफ IFRS को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, लेकिन इंडिया का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देखते हुए अगर मेरे को सर्टेन चेंजेस लाना है तो हम लेके आएंगे. गॉट द पॉइंट, हम लोग एज इट इज अडॉप्ट नहीं करेंगे, पहला क्राइटेरिया, बिकॉज वी आर इंडियंस, हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अलग स्टाइल का है, हम सब कुछ वैसा नहीं करेंगे जैसा IFRS में लिखा हुआ है. मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे सुंदर सुंदर चेंजेस ये लोग लेकर के आए, आपको आज ही समझ में आने लग जाएगा प्रैक्टिकल बात सर, ठीक है. बट वी डिसाइडेड कि IFRS का हार्ट एंड सोल डिस्ट्रॉय बोलना है नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देखते हुए हमको सर्टेन चेंजेस लाने का जरूरत है तो हम लोग उसको लेकर के आएंगे. क्लियर. टू, अगर हमको लगता है हमको कुछ ऐड करना है उसके अंदर जो IFRS में नहीं है तो हम ऐड भी करेंगे. फॉरगेट अबाउट मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन तो हम करेंगे ही करेंगे. अगर आपके यहां पे कुछ मसाला नहीं है और हमको वो मसाला चाहिए, कोई टॉपिक आपने कवर ही नहीं किया, आपके वहां पे वैसा टॉपिक होता ही नहीं पर हमारे यहां पे वैसा होता है, तो हम लोग उसको ऐड भी करेंगे. तो अब आप इसको ऐसे समझो कि इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर कन्वर्ज्ड IFRS प्रिपेयर्ड एज पर द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट प्रीवेलेंट इन इंडिया बाय ICAI. सेंटेंस कंप्लीट है, बुक रीडिंग बाद में करेंगे, बुक रीडिंग करेंगे, एक एक पैरा बाद में करेंगे. क्लोज. दूसरी बात, हम लोगों ने क्या क्या चेंजेस किया जब हम लोगों ने IFRS को बोलिए अडॉप्ट किया या कन्वर्ज किया, बोलिए अडॉप्ट किया या कन्वर्ज किया, कन्वर्ज किया. अडॉप्शन का मतलब क्या हुआ, बच्चा है, बच्चा अडॉप्ट करते हैं, जाते हैं बच्चे को उठा करके ले आते हैं, अडॉप्ट हो गया एज इट इज, हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे. कन्वर्ज का मतलब क्या हुआ, तुम भी चल रहे हो, मैं भी चल रहा हूं, ये देखो हम लोग कन्वर्ज कर गए. हेलो, कन्वर्ज का मतलब यही तो होता ना कि वी कन्वर्ज्ड, मतलब तुम्हारी एक लाइन है, मेरी भी एक लाइन है, हम लोग मिल करके चल रहे हैं आगे. सो दैट इज व्हाट वी डिड. जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया, ऐसे भी उनके पास ताकत नहीं है कि वो लोग अपना IFRS बना सके. सर आपको कैसे मालूम पाकिस्तान ने कन्वर्ज किया, आई मीन पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया, 4-5 साल पहले की बात है. पाकिस्तान का एक CA का बच्चा मेरे को व्हाट्सएप किया, बोला सर आपका क्लास लेना है. तो हम बोले क्या है तुम लोग का सिलेबस वहां पाकिस्तान में, तो बोला सर हम लोग भी IFRS फॉलो करते हैं. तो हम बोले हम लोग तो IFRS फॉलो नहीं करते, हम लोग आइए और देरी से आ जाते, थोड़ा सा आ जाइए, इधर इधर बैठिए. इधर में दिक्कत होगा, आप यहां पे ही ना ये वाला स्क्रीन देखिएगा थोड़ा सा, हाँ इधर चले जाइए या फिर बैक और चले जाइए. रेडी. तो पाकिस्तान में उस बच्चे ने मेरे को बोला कि सर हम लोग एज इट इज IFRS फॉलो करते हैं. मैं बोला लेकिन हम तो यहां इंड एस पढ़ाते हैं. तो बोला सर इंड एस और IFRS में क्या फर्क है. मैंने बोला थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग कुछ चेंजेस हैं और ये
जो भी मैंने उसको बताया सब इस चीज के बारे में जो भी तुम लोगों को बता रहा हूं, तो बोला सर हम आपका क्लास परचेज कर लेंगे, वो चेंजेस हम अपने आप मैनेज कर लेंगे। सो वैसे मेरे को पता चला कि उन्होंने पाक एस नहीं बनाया है, हम लोगों ने जैसे इंड एस बनाया है, दे डिड नॉट डू दैट, दे आर फॉलोइंग IFRS, दैट्स व्हाट माय प्रिजम्पशन इज, आई डोंट नो, उस बच्चे की बातचीत से मेरे को जो लगा वो बता रहा हूं मैं। बट कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, पूरा यूरोपियन यूनियन क्या करते हैं वो लोग, IFRS को एज इट इज फॉलो करते हैं। आइए अब पहले डिस्कस करते हैं, फिर इंड एस पे वापस आएंगे। IFRS क्या बला है भाई, लंदन में, यूनाइटेड किंगडम टू बी प्रिसाइज, यूनाइटेड किंगडम में हेड ऑफिस लंदन में है, 23-24 कंट्री, 1973 स्टोरियां, 1973 में 23-24 कंट्री मिल करके एक ग्रुप बनाया और उन्होंने बोला कि हम लोग का अकाउंटिंग लैंग्वेज हम लोग एक रखना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों के बीच में बहुत सारा ट्रेड होता था, इन्वेस्टमेंट्स आपस में होना जाना आना जाना रहता था, उसमें प्रीडोमिनेंटली बड़े बड़े लोग अगर बोले तो फ्रांस था, जर्मनी था, पूरा यूरोपियन यूनियन था, और बड़ी कंट्री में कनाडा था, ऑस्ट्रेलिया था एंड यूनाइटेड स्टेट्स था। ये लोग मिलकर एक ग्रुप बनाया और बोला हम लोग कॉमन अकाउंटिंग लैंग्वेज फॉलो करेंगे, और वो कॉमन अकाउंटिंग लैंग्वेज का नाम हुआ IFRS। थोड़ा सा IFRS का स्टोरी सुनाते हैं। अब देखो सलक यूएस का कितना बड़ा दोगलापन है, कमिटी में था यूएस, IFRS बोला हां ठीक IFRS फॉलो करेंगे, बट यूएस ने अपना यूएस गैप, जैसे इंडिया इंड एस में है ना, यूएस ने कभी भी अपना यूएस गैप नहीं छोड़ा, वो IFRS को एज इट इज अडॉप्ट नहीं किया, जबकि उस कमिटी में था वो, जो 23-24 कंट्री के ग्रुप में यूनाइटेड स्टेट्स वाज देयर। फिर उसने बोला कि हम धीरे धीरे यूएस गैप को IFRS के जैसा बना देंगे, एंड दे आर डूइंग दैट, दे हैव डन दैट। जैसे अभी इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने अपने आप को धीरे धीरे IFRS के जैसा बना दिया ना जी, आप तो पढ़ोगे अभी, अभी ये जो इंड एस पढ़ोगे ना, फिर आप पूरे यूरोपियन यूनियन में कहीं भी जाओगे यही वाला अकाउंटिंग सीन रहेगा, आपको ऐसा ही अकाउंटिंग वहां करने मिलेगा। गॉट द पॉइंट? तो IFRS क्या है एक बार फिर से बोलिए, यूनाइटेड किंगडम में जो उन लोगों का समझ लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी है, उसके द्वारा बनाया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नाम IFRS है। हम लोगों को IFRS के बारे में इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी और बनाता हूं और बताता हूं। मैंने क्या बोला, कौन से साल में ये चालू हुआ कार्यक्रम, 1973। सुनिए थोड़ा सा स्टोरी, 1973 में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी वॉज फॉर्म्ड। अच्छा स्टोरी है, इसके ऊपर भी एक MCQ आ सकता है। 1973 में क्या बना, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। इनका काम था आप IAS बनाएंगे, नॉट IFRS। IAS का फुल फॉर्म गेस करो, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएंगे, ये इस कमिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी था। एंड कमिटी वॉज फॉर्म्ड बाई ग्रुप ऑफ 23-24 कंट्रीज, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। टू, फ्रॉम 1973 टिल द ईयर 2001 भी बोल दो, टिल द ईयर 2001 इन्होंने 41, ध्यान से सुनना, 41 IAS बनाया, डेवलप किया, 41 नंबर ऑफ IAS इन्होंने डेवलप किया, ठीक है। 2001 में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी को रीऑर्गेनाइज किया गया, डन, उसको बना दिया गया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने दो काम किया, काम नंबर एक बोला जितना भी IAS फॉलो हो रहा है उसको वैलिडेट किया, बोला ये सब ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है, दे वर नॉट विथड्रॉन। टू, उन्होंने बोला आज से हम लोग IFRS के नाम से AS बनाएंगे, फुल फॉर्म इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, हम लोग इस नाम से AS बनाएंगे। तो अब उनके यहां पे AS का दो नाम है, बोलिए, लंदन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के दो नाम है,
वन इज IAS एंड अनदर इज IFRS. अब नंबर गेम सुनिए IFRS का और IAS का. IAS कहां से लेके कहां तक इश्यू हुआ होगा नॉर्मली, 1 से लेकर के 41 वॉज द लास्ट. उसके बाद IFRS बनना चालू हुआ. IFRS बना 1 से लेकर के 16 तक. 17 इज ऑल्सो इन द प्रोग्रेस, अनाउंस हो गया है बट अभी मैंडेटरी नहीं हुआ है, हम लोग के यहां पे भी आ जाएगा. सो आज के दिन IAS अगर बोले तो कहां से कहां तक है, नंबर में बोलो 1 to 41. बीच में बहुत सारा IAS विड्रॉ हो गया, आपको पता चलेगा, मैं बताऊंगा. और IFRS है 1 से लेकर के 16 तक. कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा नंबरिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब आपको ऐसा मिलेगा बेटा कि देर इज ए IAS 1 एंड देर इज ए IFRS 1. हेलो, IAS 1 भी मिलेगा और IFRS 1 भी मिलेगा. IFRS 1 इज फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ IFRS. IAS 1 इज प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आपको IAS 2 भी मिलेगा, IFRS 2 भी मिलेगा. हेलो, IAS 2 इज इन्वेंट्री, IFRS 2 इज शेयर बेस्ड पेमेंट, ESOP एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन. ये इंटर पास करके आयो. हाँ, आपको IAS 7 मिलेगा, IFRS 7 मिलेगा. IAS 7 इज कैश फ्लो, IFRS 7 इज डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग को भी याद होगा धीरे धीरे, डोंट वरी, टेंशन मत लेना. तो उनके यहां तो प्रॉब्लम नहीं था, वो लोग IAS 1 बोला और IFRS 1 बोला. दो अलग अलग चीज है, सबको पता है. IFRS 2001 के बाद इशू हुआ, IAS इशू हुआ, ईयर बताओ, 1973 से लेके 2001 तक. IAS आज भी जिंदा है, IFRS भी जिंदा है. आज भी ज्यादा IAS है, IFRS सोलट हुई है. हेलो, डन हो गया बात, बट दोनों जिंदा है. अब हम लोग के यहां पे क्या प्रॉब्लम हुआ इंडिया में, आइए सुनते हैं. इंडिया में इन्होंने बनाना चालू किया IAS. ऐसा दो ठो नाम इन्होंने डिसाइड नहीं किया, एक ही नाम बोला IAS. बोला हम लोग IAS बनाएंगे. अब नंबर कैसे मैच करेंगे, बोला नंबर भी मैच करना है. तो बोला नंबर कैसे मैच कराएंगे, तो इन्होंने क्या गेम खेला, जो 1 से 41 था, सुनेगा तुरंत समझ में आ जाएगा, जो 1 से 41 था उसका नंबरिंग रखा IAS 1 से लेकर के IAS 41. अभी बनाए हम लोग IAS, 2016 से मैंडेटरी किए. बैकग्राउंड और बताएंगे, 2008-09 से चालू था कार्यक्रम. हम लोग एज ए CA फाइनल का टीचर 2009 में मटेरियल रेडी कर चुके थे कि अब पढ़ाना है बच्चों को. सुनाएंगे बोला बैकग्राउंड वाला स्टोरी, वो रियल स्टोरी, वो सुनिएगा. सो IAS का नंबरिंग क्या हुआ, IAS 1 टू IAS 41 कोई प्रॉब्लम नहीं था नंबर गेम में. अब ये IFRS 1 का नंबरिंग हम लोग कैसे देंगे, क्योंकि हम लोगों ने तो कोई वैसा नाम, दो इनके तो दो नाम है, IAS IFRS, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड. आपके फाइनल का अकाउंट्स के पेपर का नाम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, इंटर में अकाउंट्स का पेपर का नाम अकाउंटिंग है. तो अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आर सेम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम अलग अलग हो गया बट कहानी सेम है. हम लोगों के इंडिया में क्या प्रॉब्लम हुआ नंबर गेम में, इन्होंने बोला ये कैसे मैच कराए, तो इन्होंने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, IFRS जो है ना उसका नंबरिंग हम लोग 101 से स्टार्ट करेंगे. नहीं समझे, तो अगर समझ गए तो बताओ हम लोगों के यहां पे जो आखिरी IAS होगा उसका नंबर क्या होगा, 116. सो IAS 101 से लेकर के IAS 116 तक है, और IAS 1 से लेकर के 41 तक है. और ऐसा घटिया नंबरिंग करने का लॉजिक एक ही है जो मैंने बोला, IAS के नंबर के साथ मैच कर जाए. तो कोई भी कभी कोई उधर IAS कॉपी करना हो, देखना हो, समझना हो, IFRS से कंपेयर करना हो, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हो. नहीं तो हिसाब से 41 के बाद तो 42 होना चाहिए था ना, नहीं किया उन्होंने. IFRS 1 का नाम या 1 का नंबर IAS 101 रखा गया. ओके, एक बार ये वाला गेम प्लान अपने बुक में पेज नंबर 3 में देखिए, बुक 1 निकालिए. नहीं है, ओके, मिल जाएगा. आप भी नहीं लाए, ओके, बुक मिला ही नहीं क्या, क्यों वहां पे था तो ऑफिस में. ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ला के दे दूंगा यहां पे.
आप तब तक यहां से देखिए, देखिए ग्रुप में ना आपको पीडीएफ मिला होगा, ग्रुप में एडेड है आप, एडेड भी नहीं है, ओके तब तक आप उसकी बुक से देखिए। एक बार नंबर देखिए नंबर, आपको अच्छा लगेगा। सर आप ऐसे ऊपर नीचे करके उल्टा क्यों लिख के दिए हैं, ऐसे ही हमको लगा 101 को ऊपर लिखा जाए। देखिए इन डेज 101 से लेकर के 116 दिखा, और नीचे देखिए इन डेज 1 से लेकर के इन डेज 41। अब आप तुरंत एक क्वेश्चन पूछोगे कि सर अगर यहां पे 16 है, हेलो यहां पे 16 है ना, जरा मेरा हाथ का मूवमेंट देखते रहिएगा, जो लोग इंटर में मेरे पास पढ़ते तो लोग जानते हैं हम ऐसे हाथ से बहुत कुछ बोलते हैं। तो यहां पे 16 है और यहां पे 41 है, तो 41 प्लस 16 कितना होना चाहिए, 57 होना चाहिए ना, टोटल है 35 इन योर सिलेबस, आपके सिलेबस में 35 है। तो सर क्या सिलेबस से कम, मतलब जितना है उससे कम पढ़ना है? नो, टोटल एप्लीकेबल इंडेज 38 है। सर 57 है, 38 क्यों है, बीच बीच से गायब है, क्यों? उनको विड्रॉ कर लिया गया, आईएएस ने विड्रॉ कर लिया। जैसे यहां पे देखो आप, इसको देखो आपको समझ में आएगा, यहां पे पहले देखो 3 नहीं है, 4 नहीं है, बात करो प्लीज, मेरी क्लास में बोलना पड़ता है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, सर कहां गया, आंसर इज विड्रॉ हो गया। जब आईएफआरएस बना होगा ना, उसी टॉपिक पे अगर बना होगा तो आईएएस को विड्रॉ कर लिया होगा, जब आईएएस 37 बना होगा ना तो हो सकता है आईएएस 3 को विड्रॉ कर लिया गया होगा। तो बीच बीच में जो आईएएस नहीं है वो नहीं है, दे आर विड्रॉन। तो सर हम लोग क्यों नहीं बनाया, हम लोग भी तो नंबर सेम रखना था ना, हम लोग का तो गेम था कि हम लोग नंबर को सेम रखेंगे, जबकि हम लोग तो अभी इंडेस बनाया, हम लोग तो कोई इंडेस को विड्रॉ किया ही नहीं आज तक, अभी तो बना, विड्रॉ कहां से करेंगे, डन। तो हमारे यहां पे 3, 4, 5, 6 क्यों नहीं है, जल्दी बोलिए, वो लोग विड्रॉ कर ले, हम लोग विड्रॉ नहीं किया, बोलो आईएएस में विड्रॉ हो गया, हम लोगों को नंबर सेम रखना था तो हम लोगों ने बनाया ही नहीं, सलाह इंडेस 1 बनाया, 2 बनाया, 7 बनाया, सीधा 3, 4, 5, 6 हम लोगों ने बनाया ही नहीं, ड्रॉप कर दूं बात। अगर आप 1 से 41 काउंट करोगे ना, 1 से 41 तो देर आर 22 ओनली विच आर एप्लीकेबल, 1 से 41 में 22 तो ही एप्लीकेबल, अभी मैं काउंट कर रहा था 22 ही था ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो अपने को ये 22 पढ़ना है। सेकेंड बात सर, ये जो 16 है इसमें, इसमें से 13 आपको पढ़ना है, 3 सुनिए, 3 विड्रॉ नहीं हुआ है, ना 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 सुनो पूरा बात, 3 विड्रॉ नहीं हुआ है, 3 जिंदा है, सीए फाइनल में एप्लीकेबल नहीं है, हेलो ये तीनों अलाइव है। जरा कहां देखो तो कौन सा मिसिंग है, 4 मत बोलो, 104 बोलो प्लीज, 104 बोलो, इंडेस 104 मिसिंग है, इट इज अबाउट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये हम लोग लिखेंगे, हाँ कॉपी में लिखना होगा ये वाला बात, इंडेस 104 इज अबाउट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, मिसिंग है, सीए फाइनल में मिसिंग है, रियल लाइफ में है, देन नेक्स्ट 106 माइनिंग एक्टिविटीज, जो मिनरल रिसोर्सेस होते हैं ना, मिनरल रिसोर्सेस उस एक्टिविटी, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ONGC, ये लोग का जो काम है, इनका जो माइनिंग असेट्स वगैरह होता है उसके ऊपर एक इंडेस है, दैट इज इंडेस 106। और क्या मिसिंग है, 114। अच्छा 114 इज रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट, सर नाम भी नहीं सुना हुआ, समझ में भी नहीं आ रहा कुछ भी, पहला दोनों तो समझ में आया, ये क्या है, ये मैं आपको बताता हूं, आपको सुन के अच्छा लगेगा, और सुनिए इंटरेस्टिंग चीज है, सीएससी कंपनी पब्लिक यूटिलिटी, बिना सीएससी के कलकत्ता अंधेरे में चला जाएगा, जल्दी
मान लीजिए बड़ा तूफान आया, बहुत बड़ा तूफान, ओके, कोविड जब आया था तो बहुत बड़ा तूफान आया था, आपको याद है क्या नाम, अम्फान। मान लीजिए बहुत सारा नुकसान हो गया सीएससी को, 300 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, डन, तार वार टूट गया, खंबा वंबा उखड़ गया, जो भी इलेक्ट्रिक पोल वगैरह है सब नुकसान हो गया। क्या लगता है, नुकसान तो जो हो गया वो हो गया, बिल्ड करके रिपेयर करके 300 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्चा लगा उसका, क्या लगता है कैसे रिकवर करेगा? करेगा ना। तो नेक्स्ट बोल, देखो बच्चा बोलता है सर अगली बार कस्टमर लोगों का बिल को इंक्रीज कर देगा, तो डेफर करेगा ना अपना जो एक्सपेंस है उसको डेफर करेगा, सो दैट इज कॉल्ड, उसके ऊपर एक इंडेक्स बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट्स। इनकम में भी वैसा ही है, एक्सपेंस में भी वैसा ही है, पहले सीए फाइनल के सिलेबस में था, मैं पढ़ाता था उन तीनों को भी, फिर लेस इंपॉर्टेंट होने के कारण इंस्टीट्यूट ने सिलेबस से हटा दिया। तो ये आज के दिन का नंबर गेम का कहानी है, कॉपी में लिखो। ये वाला बात मेरे कॉपी बुक में नहीं है, बोल के मैं लिखा रहा हूं, ओके, लिखो, वी हैव, वन नंबर पॉइंट करके लिखना, वी हैव 38 इंड एएस, इशूड एंड ऑल दीज आर, संपूर्ण सेन आप गलत हैं, 100 उनको विड्रॉ नहीं किया गया, ओके, क्या लिखा, ऑल दीज आर एप्लीकेबल एज ऑन टूडे, फुल स्टॉप, द लिस्ट ऑफ 35 Ind AS which are applicable in our CA final syllabus is given in पेज नंबर 3, फुल स्टॉप, द लिस्ट ऑफ 3 अदर इंड एएस इज गिवन बिलो। देख के बताइए क्या क्या था, इंड एएस 104, 106 एंड 114। 104 क्या चीज के ऊपर, अच्छा आप लोग बताइए ना, आप लोग मॉर्निंग में क्लास करना पसंद करेंगे कि इवनिंग में? मॉर्निंग का सो के तो उठते नहीं हो सब, तो देर देर से आते हो, ठीक है बात करते हैं। इंड एएस 104 इज इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इंड एएस 106 इज माइनिंग एक्टिविटीज, इंड एएस 114 इज रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट्स। So, एक छोटा सा कंपैरिजन बिटवीन इंड एएस एंड आईएफआरएस समझ में आया, नंबरिंग ऐसा कैसे है वो समझ में आया, यस नो जल्दी समझ में आया,
बीच में 42 से लेकर के 100 तक गायब क्यों है समझ में आया, नंबरिंग ऐसा गंदा क्यों है समझ में आया, पर ठीक है जैसा भी है सिलेबस अच्छा है। आइए आगे बढ़ते हैं। कॉपी में 2 नंबर पॉइंट करके लिखिए। सुनिए लिखना बाद में, मैं जब बोलूंगा वही लिखना है, बाकी सब बुक से हम लोग रीडिंग करेंगे, बुक में लिखा हो बहुत अच्छे से। सुनिए, कब से इंडेस आने का कहानी बना, कब एक्चुअली आया। थोड़ा सा हम कांग्रेस सरकार को यहां पे गाली देंगे, ये मत समझना हम बीजेपी के हार्डकोर सपोर्टर हैं, हाँ हम हैं, बट ये समझना मत, तुम खाली ये समझना कि कांग्रेस ने क्या नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। 2008 इकोनॉमिक वर्ल्ड में कैसे जाना जाता है, बहुत बड़ा रिसेशन नहीं माने डिप्रेशन बोल दीजिए, रिसेशन तो छोटा वर्ड हो गया। 2008 वाज द बिगेस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस दैट हैपेंड इन द वर्ल्ड। क्राइसिस का नाम क्या था मनु? बा कौन बोला क्राइसिस, पैदा भी नहीं होगा बेटा तुम लोग। क्राइसिस का नाम, अच्छा पैदा हो गए थे क्या, सॉरी, क्राइसिस का नाम था लेमन ब्रदर्स क्राइसिस, बहुत बड़ा बैंक लेमन ब्रदर्स, टू बिग टू फॉल बोलते थे हम लोग कि दीज आर टू बिग टू फॉल बट दे ऑल फॉलन लाइक एनीथिंग, सारे डूब गए। सो ये वाला क्राइसिस हुआ 2008 में, एंड द क्राइसिस का मेन जो रीजन था दैट वॉज, मैं एक तरह से बोलूं तो इजी लैंग्वेज में, दैट वॉज डेरिवेटिव्स। सब प्राइम क्राइसिस बोलते हैं इस क्राइसिस को, क्राइसिस तक नहीं जाऊंगा अभी मैं, बट दिस इज द रीजन। पूरी दुनिया में जब भी तबाह होगी इकोनॉमी में, रीजन यही होगा। आपके सिलेबस में बहुत देर तक पढ़ोगे आप लोग इसके बारे में, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, फॉरवर्ड्स, नाम तो सुना होगा। तो ये रीजन था इस क्राइसिस का। जब ये क्राइसिस आया ना 2009 में, सारे वर्ल्ड लीडर लोग, लीडर मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फिनांस मिनिस्टर लोग नहीं, लीडर लोगों का मीटिंग हुआ। मीटिंग का प्लेस मेरे को याद नहीं, बट इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड बाई मनमोहन सिंह जी। अब एट दैट टाइम ही मस्ट बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फिनांस मिनिस्टर नहीं होंगे वो, क्योंकि वो मीटिंग लीडर लोगों का था, मिनिस्टर लोगों का नहीं। मिनिस्टर भी लीडर होते हैं, बट सुप्रीम लीडर तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होगा ना जी। तो वो गए थे वहां पे, व्हेन ही केम बैक फ्रॉम दैट मीटिंग, उस मीटिंग में ये तय हुआ, ऑल द लीडर्स दे डिसाइडेड कि हम लोग पूरा ग्लोबल अकाउंटिंग लैंग्वेज को एक कर देंगे, पूरा वर्ल्ड एक जैसा अकाउंटिंग फॉलो करेगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा साला किस कंट्री में प्रॉब्लम है, किस कंट्री से वो प्रॉब्लम कहां किस कंट्री में आ गया। हर कंट्री एक दूसरा में इन्वेस्ट कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, माल सप्लाई कर रहा है, लोन ले रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो उन्होंने डिसाइड किया सारा ग्लोबल अकाउंटिंग लैंग्वेज को एक कर देंगे। कौन से साल का बात है? 2009। ही केम बैक, इंस्टीट्यूट को फटाफट एक ठो लेटर गया या मेल गया या क्या गया नहीं मालूम, इंस्टीट्यूट को बोला गया आप लोग रेडी करिए IFRS, रेडी करिए हम लोग लॉन्च करेंगे। इंस्टीट्यूट रेडी था, इंस्टीट्यूट पहले से सोच के रखा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, वो पहले से रेडी था, बोला सर बस रेडी है, आपको जब लॉन्च कराना करा दीजिए। 2011 हम लोग रेडी थे, हम लोग मतलब टीचर्स रेडी थे कि भाई अब पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को। इंस्टीट्यूट ने बुक निकाल करके, सब कुछ निकाल करके, ऑफिशियल नहीं किया था लेकिन सब वो अनाउंसमेंट आ गया, सब कुछ आ गया, सब रेडी है कि भाई अब लॉन्च होएगा, डन। उसके बाद हो गया क्या नाम, वो कोल स्कैम, वो क्या 2G स्कैम याद है, करुणानिधि का जमाई जेल चला गया, उसकी बेटी जेल चली गई, करुणानिधि तमिलनाडु, हेलो इसी कंट्री में रहते हैं हम लोग, कौन है करुणानिधि का जमाई, अच्छा उसकी बेटी कौन है,
अभी अभी सरकार किसकी है तमिलनाडु में? स्टालिन की। तो स्टालिन की बहन, स्टालिन याद है ठीक कि सरकार है, चीफ मिनिस्टर है, उसकी बहन का नाम है कन्नीमुई, जेल चली गई थी वो 2G स्कैम की वजह से। सारा 2G का जो अनाउंसमेंट बने, जो भी क्या बोलते उसको, ऑक्शन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने विड्रॉ कर लिया था। तुम लोगों को याद नहीं है 3 लाख करोड़ रुपए का भारत सरकार को नुकसान हुआ था, 2.5 लाख करोड़ समझ लो, फ्री में सब 2G लाइसेंस बांटा। और कपिल सिब्बल, मालूम है कपिल सिब्बल कौन है? यू नो कपिल सिब्बल? नो, बहुत बड़ा लॉयर है इंडिया का। आप लोग पेपर ऊपर कुछ नहीं पढ़ते क्या? हम तो ये सब चीज बोलेंगे बहुत सारा। तो क्या हो गया, कपिल सिब्बल तो नया ही है, अभी भी है ना वो, अभी समाजवादी पार्टी से राज्यसभा का मेंबर है। किससे? समाजवादी पार्टी। किसकी पार्टी है वो? हाँ, अखिलेश यादव की। इसको थोड़ा ज्यादा मालूम है। थैंक यू बेटा, तुमसे बातचीत होता रहेगा ना ना हो। एक बार वापस बोलते, तो वो बंदा सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बोला कि तो कोई लॉस ही नहीं है भारत सरकार को, नो लॉस, उसको लेकर के इतना हंसी उड़ता उसका अभी भी। बट एनीवे, उसके बाद ये सब स्कैम हो गया, कांग्रेस अपना सरकार बचाने में लग गई यूपीए, तो उसमें कहां से IFRS लॉन्च होगा, तो वो लॉन्च डिफर हो गया, वो कभी हुआ ही नहीं समझ लो। उसके बाद 2014 में मोदी सरकार आई, 2014 का जुलाई, मई में सरकार आई थी ना, 2014, ये सब पढ़ाई है, हेलो, हम स्टोरी नहीं सुना रहे हैं, इसके ऊपर MCQ आ सकता है, बुक में लिखा हुआ आपका, हेलो, ये जो मैं बोल रहा हूं इंस्टीट्यूट का बुक में लिखा हुआ, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, बट दे आर देयर, डन। ये सब नहीं लिखा कन्नीमुई जेल चली गई, बट और ये भी नहीं लिखा कि कांग्रेस नहीं ला पाया, बट मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं कि हम लोग, मेरे को मालूम है ये कहानी। उस वक्त 2014 जुलाई में अरुण जेटली वॉज द फिनेंस मिनिस्टर, अब तो मर गया वो बंदा, उसने बजट स्पीच में बोला कि इंडेस को लाना होगा और हम लेट नहीं कर सकते। इन दैट बजट स्पीच ही अनाउंस्ड कि 1/4/15, माइंड माई वर्ड्स, चेक द डेट्स, 1/4/15 से ऑप्शनली कंपनी को बोला गया आप लोग इंडेस अडॉप्ट करिए, 1/4/16 से मैंडेटरीली बोला गया आप लोग इंडेस अडॉप्ट कीजिए। गॉट द पॉइंट? जो काम हमारे यहां 6 साल 7 साल पहले हो जाना चाहिए था यूपीए के टाइम पे, वो नहीं हुआ, एंड देन इट हैपेंड इन NDA रेजिम। ड्रॉप कर दूं बात को, आगे 1/4/16 को, अगेन छोटा सा MCQ क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन है, 1/4/16 को, अच्छा इंडेस किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल है, मैंने क्या बोला था, आप लोग देर से आए थे, बाकी लोग बोलेंगे, ऑल लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल है, और बोलो, गुड, 250 करोड़ या ज्यादा से जिसका नेटवर्थ है, अनलिस्टेड में उनके ऊपर, माने लिस्टेड का नेटवर्थ कुछ भी हो सकता है, हेलो, लिस्टेड नेगेटिव नेटवर्थ होने से भी इंडेस अप्लाई करेगा। तो इन लोगों को क्या हुआ ना, मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली, इनको 1 साल का थोड़ा गैप मिला, मतलब अब मैं ये बोलूं तो रिलैक्सेशन मिला। एग्जैक्टली रोड मैप क्या था, आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया, जस्ट चेक इट। 1/4/16 से बोला कि जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो ऑब्वियसली 250 करोड़ से तो ज्यादा ही है, बट फर्स्ट ईयर में 1/4/16 में जब मैंडेटरीली एप्लीकेबल हुआ, तो नेटवर्थ 500 करोड़ से जिनका इक्वल टू या मोर था, उनके ऊपर एप्लीकेबल हुआ, वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड, मतलब लिस्टेड कंपनी को भी 1/4/16 से सिर्फ उस लिस्टेड कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हुआ जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ से इक्वल टू या मोर था, और अनलिस्टेड कंपनी को भी बोला गया कि आप भी 1/4/16 से, इफ योर नेटवर्थ इज इक्वल टू और मोर देन 500 करोड़, अप्लाई फ्रॉम 1/4/16, फुल स्टॉप, दी एंड। 1/4/17, अब आप बोलो कौन लिस्टेड कंपनी पे और कौन सा अनलिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल हुआ,
ऑल मत बोलो, ठीक से बोलो। 1417 से किन लोगों पे एप्लीकेबल हुआ? क्योंकि कुछ लोगों को तो 1416 से हो गया था ना, एक साल का गैप दिया गया। अदर लिस्टेड कंपनीज, अदर से समझ में आया? अदर लिस्टेड कंपनीज मींस वो लिस्टेड कंपनी जिनका नेटवर्थ लेस देन 500 करोड़ था, तो अदर लिस्टेड कंपनीज। अनलिस्टेड का ठीक से गेस करो, बिटवीन 250 to 500 करोड़। तो अनलिस्टेड कंपनी बिलो 250 करोड़ कहां है? बोलो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं वो लोग, बोले थे ना अभी थोड़ा देर पहले, तो वो तुम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ के आए हो। क्लियर? अब आप लोग हमको जवाब दीजिए ठीक से, देखें बोल पाते हो क्या। 1416 से किसके ऊपर एप्लीकेबल हुआ? गुड। देखिए एक लाइन में बच्ची ने बोला लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज, तो एनी कंपनी बोल दो ना, गोली मारो बात को। एनी कंपनी हैविंग ए नेटवर्थ इक्वल टू मोर देन 500 करोड़, दे विल अप्लाई फ्रॉम 1416। रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टार्टेड टू अप्लाई इन डेज फ्रॉम 1416। अभी तुरंत मैं रिलायंस का बैलेंस शीट दिखाऊंगा, नॉन इंडेस वाला और इंडेस वाला, आप देखिएगा आपको फील होगा यार कैसा डिफरेंट है, क्या चेंज है। अभी आप देखोगे दो मिनट के बाद। हाँ वेट, और 1417 किसके ऊपर? ठीक से, ऑल अदर लिस्टेड कंपनीज प्लस अनलिस्टेड कंपनीज विथ नेटवर्थ 250 to 500 करोड़। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, जिस कंपनी पे इंडेस एप्लीकेबल हो गया उसका होल्डिंग, उसका सब्सिडरी, उसका जेवी, उसका एसोसिएट, रिपीट करो, उसका होल्डिंग, उसका सब्सिडरी, उसका एसोसिएट्स, उसका जेवी, उन पे उसी साल से एप्लीकेबल हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, एक बार इंड एस एप्लीकेबल हो गया विड्रॉ नहीं होगा, एक बार आप इंड एस के अंदर घुस गए विड्रॉवल का और कोई चांस नहीं है। डन। नेक्स्ट, कंपनीज में अभी जो अपन ऊपर में बात किया ना, एनबीएफसी, बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी को छोड़ के बात किए थे हम, बोले नहीं थे, अब बोल रहे हैं। यहां जो कंपनी सब था, देवर रिलायंस, टाटा स्टील, ओएनजीसी काइंड ऑफ कंपनीज, एनबीएफसी, बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी का बात होना अभी बाकी है। आंसर देता हूं, एनबीएफसी के ऊपर एप्लीकेबल हुआ 1/4/2018 एंड 1/4/2019। गेस करो दो साल क्यों मिला? नहीं, एक साल 500 करोड़, एक साल 250 करोड़। नहीं समझे अभी भी? अरे जैसे वहां पे था नहीं क्या, दो साल का छोटा लोग को एक साल का टाइम दिया कि बड़ा लोग का देख लो ना तुम लोग कैसे फॉलो कर रहा है, तुम लोग छोटा लोग है बाद में फॉलो कर लेना। तो एनबीएफसी के ऊपर इंडिया में एप्लीकेबल हुआ 1/4/2018 से फॉर 500 करोड़ और मोर नेटवर्थ कंपनीज, अदर्स के ऊपर 1/4/19 से एप्लीकेबल हुआ। सो ऑन टूडे इफ यू विल सी द बैलेंस शीट ऑफ बजाज फाइनेंस, ऑन टूडे 2013-14 इंड एस कंप्लायंट बैलेंस शीट बनेगा कि नहीं बनेगा? बजाज फाइनेंस इज एन एनबीएफसी कंपनी, नेटवर्थ 1,00,000 करोड़ रुपए के आसपास का होगा, बनेगा ना? ड्रॉप, खत्म हो गया बात। अब आइए बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज, आज तक एप्लीकेबल नहीं हो पाया। एप्लीकेबल होने का बात था 2018 में, टिल टुडे इतना बड़ा बड़ा बैंक है एचडीएफसी बैंक, 16,00,000 करोड़ रुपया मार्केट कैप, अब तो और बढ़ गया ना वो एचडीएफसी उसके अंदर मिल गया तो और बड़ा हो गया होगा, इतना बड़ा मार्केट कैप है। दे आर स्टिल नॉट फॉलोइंग इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंश्योरेंस कंपनीज आर स्टिल नॉट फॉलोइंग इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड।
बैंक क्यों नहीं फॉलो कर रही है? आरबीआई बोलता है बैंक तैयार नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी क्यों नहीं फॉलो कर रहा है? आईआरडीए बोल रहा है इंश्योरेंस कंपनीज आर स्टिल नॉट रेडी। तो यहां पे हमको थोड़ा सा मोदी जी को भी गाली देने का मन कर रहा है कि इतना क्या छूट देना है। जब एनबीएफसी को आप ले आए रास्ता में तो बैंक्स को लाने में क्या दिक्कत है जी? और इंश्योरेंस कंपनियों क्यों छोड़ के रखे हो? व्हाई? जब पूरा हिंदुस्तान को ले आए अंदर में तो इन लोगों को रिलैक्सेशन देने का क्या जरूरत है? और सोचो 1418 बोला 19 में कर लेंगे, बोला 20 में कर लेंगे, फिर बोलता आप जब बताएंगे तब करेंगे, माने जब करेंगे ना तब बता देंगे। तुम समझ रहे हो किस तरह का सीन है? सो आज के दिन बैंक्स के ऊपर, क्लोज करो रिमार्क्स, बैंक्स के ऊपर इंड एएस एप्लीकेबल नहीं है, इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर इंड एएस एप्लीकेबल नहीं है। एक बार इंड एएस एप्लीकेबल हुआ, विड्रॉ नहीं होगा। तेरे ऊपर इंड एएस एप्लीकेबल हुआ, तेरा बाप, तेरा बेटा, तेरा होल्डिंग, तेरा सब्सिडरी दोनों पे एप्लीकेबल हो जाएगा, एसोसिएट और जेवी पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर है? एनबीएफसी पे एप्लीकेबल है 1418, 1419। अदर कंपनीज पे एप्लीकेबल है 1416, 1417। ये जो पूरा स्टोरी लाइन है, इस स्टोरी लाइन का पढ़ाई का नाम है रोड मैप फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। समझ में आया कि कंफ्यूज्ड है? यस नो? आया? बुक निकालिए, पेज नंबर 2 देखिए। आप लोग इसमें निकालो, मोबाइल में है, आया होगा, दिया भेजा हो बच्चा, देखिए ग्रुप में भेज दे फिर से, फोटो होगा, देखो नहीं उस दूसरे वाले में, मई 24 वाले में भेज। ये जो 4 नंबर पैराग्राफ है ना बच्चों, ये आपको पूरा पढ़ना है अभी बैठ करके। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप यहां से पढ़ो प्लीज, और अगर बुक है तो अपनी बुक से पढ़ो। थोड़ा मोड़ा अगर ऐड और डिलीशन है तो वो आप कर लोगे, यहां जो लिखा हुआ वो राइट है। कोई पैराग्राफ मान लो हम नहीं बोले यहां पे है तो उसको आप ऐड कर लोगे। चलो 5 मिनट में इसको कंप्लीट करो पढ़ के। अच्छा, जहां पे लिस्टेड एंटिटी का बात उठेगा ना, अभी एक तो स्मॉल एंड मीडियम साइज एक्सचेंज आया ना, एसएमई के लिस्टेड कंपनी को लिस्टेड नहीं बोलेंगे। ओके, चलो पढ़ो। बच्चों आपकी बुक में ये जो 2006 लिखा हुआ है ना एएस वाला, अब वो 2021 हो गया है। रूल वही है,
खाली 2021 हो गया है। पढ़ लिए पूरा लास्ट तक? बैंक्स वाला भी पढ़ लिए या बाकी है? क्या लिखा बैंक्स को लेकर के? टू बी अनाउंस्ड। इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी लिखा है टू बी अनाउंस्ड। खाली एक डिफरेंस हमको बताओ अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो, एनबीएफसी पे और ऊपर का कंपनीज पे, माने अदर देन एनबीएफसी पे नहीं, कंपेरेटिव सब पे है। कंपेरेटिव भले लिखा हुआ नहीं है, कंपेरेटिव सब पे है। वॉल्यूंटरी अडॉप्शन एनबीएफसी को अलाउ नहीं किया, एक्चुअली आरबीआई ने मना कर दिया था, तो फिर जब एमसीए अनाउंस किया ना इसको, तो बोला ठीक है एनबीएफसी कैन नॉट अप्लाई इन डेज वॉल्यूंटरीली। बाकी लोग को तो 1415 को वॉल्यूंटरीली अप्लाई करने दिए थे ना। अच्छा मैं आपको बताता हूं, मेरे पास 200 कंपनी का शेयर होगा, 200 कंपनी का, कोई कंपनी इन डेज अप्लाई नहीं किया 1415 को वॉल्यूंटरीली। जो 1415 ज्ञान लगा रहा ना यहां पे, नोबडी एक्चुअली डिड, इवन रिलायंस डिड नॉट डू। यार द रिलायंस नहीं करेगा तो कौन और करेगा? सो नोबडी डिड ऑन 1415, एवरीबडी स्टार्टेड। हम लोग बोलते ना इंडिया में जब तक कोई चीज मैंडेटरी कंपल्सरीली फॉलो करने का काम नहीं होगा ना, तब तक हम लोग कुछ भी फॉलो हो नहीं करेंगे। अभी आप लोगों को पता चल गया सर 7 बजे स्टार्ट कर दिए थे, तो अब आप लोग भी 7 बजे आएंगे अभी। हाँ ठीक है ना, देर से आएंगे सर, तो चलिए छोड़िए। तो सर इसके ऊपर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल सकते हैं। डन, चलिए कॉपी में वापस आ जाइए। 2 नंबर पॉइंट लिखिए, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी हाँ बता रहे। कॉम्पेरेटिव का मतलब होता है, हेलो, पिछला साल का बैलेंस शीट बगल में देना, करेंट ईयर बिना पिछला साल का बैलेंस शीट के क्या इंडेक्स जी, कोई भी बिना पिछला साल का बैलेंस शीट अगर आप नहीं दोगे हम कंपेयर कैसे करेंगे? तो कॉम्पेरेटिव जरूरी होता है हमेशा। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, क्या शॉर्ट फॉर्म था इसका याद करके बताइए, कब फॉर्म हुआ था और इन्होंने क्या इश्यू किया था? लिखो, ये सब एमसीक्यू आने का चांस है, अभी एमसीक्यू के लिए भी पढ़ना है। फॉर्मड इन 1973, और क्या किया इन्होंने? आईएएस ड्राफ्ट किया, कितना? 41। लिखो, दिस कमिटी डेवलप्ड आईएएस। 3 नंबर में लिखो, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, हम थोड़ा एसी बंद करके आ रहे हैं, ठंडा लग रहा है। ना इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड 2001, लिखो आईएएसबी नाम लिख दो, लिखो फॉर्मड इन 2001, इट प्रिपेयर या इट डेवलप्ड, हां 16 IFRS, डन।
अब दो तीन बात बताओ, इंडिया में इंडेस बनाने का जिम्मेदारी किसका? आईसीएआई के अंदर कौन ऐसा बॉडी है जो एएस बनाता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। वो एएस भी बनाता है और वो इंडेस भी बनाता है, क्लियर फुल स्टॉप। इंस्टीट्यूट का एएस भी जब इंडेस बना लेता है डन, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को दे देता है, ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स उसको अनाउंस करता है और एप्लीकेबल करवाता है, समझे क्या बोला? क्यों इंस्टीट्यूट का ताकत नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंपनीज पे एप्लीकेबल करवाने का? बिकॉज इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट नहीं है और कंपनीज आर गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट। जल्दी हां बोल, कंपनीज आर गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट। तो कंपनी के ऊपर कोई चीज भी आपको एप्लीकेबल करना होगा, बोलिए, एमसीए के थ्रू से, कंपनी लॉ के थ्रू से लाना पड़ेगा। सो इवन दो, इस बात को ध्यान रखना, अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन, इवन दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड डेवलप्स इंड एएस, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी और द अथॉरिटी ऑफ अनाउंसिंग दोज इंड एएस एंड मेकिंग देम एप्लीकेबल ऑन कंपनीज लाइज विथ एमसीए। डन। इसी बीच एक और बॉडी है, नाम सुना होगा तो बताओ, नाम सुना है? वाह, कैसे सुना? ये इसका पुराना नाम है, एनएफआरए इज द न्यू नेम ऑफ नकास, जैसे कोलकाता और कलकत्ता, तो ये कोलकाता है और ये कलकत्ता है, बॉम्बे मुंबई, और कुछ फर्क नहीं है। प्लीज सर, कौन है ये? व्हाट इज नफरा? हम नफरा बोल रहे हैं, व्हाट इज नफरा? नफरा इज अ बॉडी, बॉडी फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच विल रेकमेंड, माइंड माय वर्ड, ध्यान से सुनना, विच विल रेकमेंड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू एमसीए, हेल्पिंग हेल्पिंग बॉडी। मेरे कंसल्टेशन, मैंने अगर मैं नफरा हूं, तुम एमसीए हो, से यू आर लॉ मिनिस्टर, क्या नाम, निर्मला सीतारामन, अबे वो एमसीए की भी वही है, कॉरपोरेट अफेयर्स की मिनिस्टर भी वही है। तो मान लीजिए तुमको इंडेस अनाउंस करना है, मैंने एप्लीकेबल कराना कंपनियों पे, तो तुम मेरे से कंसल्ट करोगे। सो हम और कुछ नहीं, हम वो डॉक्टर टाइप के हैं जी, दवाई तुम्ही को लेना है। सो हम द कंसल्टिंग बॉडी, नफरा इज द कंसल्टिंग बॉडी। नफरा के कंसल्टेशन और रिकमेंडेशन के बाद ही एमसीए, आंसर दो, इंडेस को कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल करवाता है, विच आर डेवलप्ड बाई आईसीआई, भी मत बोलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, आईसीआई राइट है, एकदम रिफाइन करके आंसर कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग आईसीआई नहीं बोलेगा, एएसबी बोलेगा, बट अगेन एएसबी की जगह आईसीआई भी एमसीक्यू में आ सकता है। हेलो, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि चॉइस कैसा है। अब मैं बोलूंगा इंड एस आर डेवलप्ड बाई, इंड एस आर डेवलप्ड बाई, मैंने आंसर दिया एएसबी, एमसीए, नफरा, नकास। नफरा और नकास तो दोनों ही देना चाहिए, बट फिर भी मान लो तीन दिया, क्या बोलेंगे आप? यस, एएसबी, इंड एस आर अनाउंस्ड बाई एमसीए एंड नफरा इज द रिकमेंडेटरी बॉडी, यू कैन से इट इज द बॉडी विद द कंसल्टेशन एंड रिकमेंडेशन ऑफ विच एमसीए अनाउंसेस इंड एस। वो एमसीए को हेल्प करती है, हम लोग को, इंस्टीट्यूट को नहीं। इसको मैंने लिखाया है मेरी बुक में, देखो अगर आपको कुछ दिक्कत होता है तो हम एक सेंटेंस में इसको कर देंगे काम। पेज नंबर
वन में जाओ, पैराग्राफ नंबर थ्री। अच्छा आप लोग फोर पढ़ लिए ना, फोर को टिक लगा दो। फाइव को भी टिक लगा दो, फाइव इज द लिस्ट ऑफ इंडेस। अभी थ्री पढ़िए और कोई क्वेश्चन है तो आंसर करिए, माने पूछिएगा। एसी चला क्या? ठीक से लिखा हुआ तीनों जो बोला गया आपको समझ में आया? सो टिल नाउ वी हैव फिनिश्ड आवर पैरा थ्री फोर एंड फाइव एंड वन ऑल्सो। वन नंबर पैरा भी हो गया, आप वन नंबर पढ़ लीजिए। ये खाली यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ईयू भी है, कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, बहुत सारा अफ्रीकन कंट्रीज भी है इसके अंदर, बट प्रिडोमिनेंटली माने हेडक्वार्टर यहीं पे है, लंदन में ही हेडक्वार्टर है। इज इट डन? अडॉप्शन वर्सेस कन्वर्जेंस के ऊपर दो लाइन बोलो। Adoption is copy paste और convergence is without destroying the heart and soul of the IFRS, if suitable changes as per the economic environment of a country is made in IFRS, we call it convergence. Clear? चलो एक बार अपनी copy में paragraph number फोर करके लिखो। कॉपी का नोट और बुक का नोट मिला करके आपका नोट रहेगा। अगली क्लास में जब भी आएंगे तो कॉपी और बुक के नोट्स को कंप्लीट करके आओगे एवरी डे। चलो कॉपी में लिखो, व्हाइल प्रिपेयरिंग इंड एएस आईसीएआई incorporated minimum but necessary changes in IFRS. Clear? These changes are of three types. कॉपी में लिखोगे मेरा बोर्ड देख करके, कार्व इन। बुक में बाद में पढ़ोगे, हाँ पहले मेरा कॉपी से देखोगे। ये इंपॉर्टेंट बात था जो बुक में भी है, मेरे को कॉपी में भी लिखाना पड़ेगा। कार्व आउट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड चेंजेस, ओके। पहले इसके बारे में बात करते हैं, कार्व आउट सबसे इंपॉर्टेंट है।
अप्रोक्सीमेटली, अच्छा कार्व आउट का मतलब कुछ बोले थे पहले, थोड़ी देर पहले कुछ नहीं बोले कभी भी, सुनिए, कार्व आउट का मतलब हुआ हमको लगता है IFRS का ये रूल गलत है, या हम IFRS का ये वाला रूल इंडिया में फॉलो नहीं करवा सकते, हमको बदलना पड़ेगा, एंड दैट इज मटीरियल इंपॉर्टेंट बात है। छोटा मोटा चेंजेस को हम लोग कार्व आउट नहीं बोलते, दे मस्ट बी सम बिग चेंजेस, उसी को कार्व आउट बोलते हैं। तो हमको लगा इंडिया में ये रूल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो हमने अपना नया रूल बनाया, उस रूल को विड्रॉ किया, अपना नया रूल दे करके इंडेस बनाया, दो चेंजेस आर कॉल्ड कार्व आउट्स। मोटा मोटा अगर बोले ना तो 12 कार्व आउट है, 12 अलग अलग इंडेस पढ़ाते समय हम आपको बताएंगे सी दिस इज ए कार्व आउट, सी दिस इज ए कार्व आउट, सी दिस इज ए कार्व आउट, एंड यू विल फील गुड, तुमको ऐसा लगेगा हाँ ठीक किया इंडिया, इंडिया में ऐसा होना ही चाहिए। ओके, कॉपी में लिखो एग्जाम्पल्स ऑफ कार्व आउट। इसका पैराग्राफ नंबर बना दो 5। कुछ बोर्ड पे लिखेंगे, हाँ देखिए आप लोग जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। कौन सा चैप्टर का बात हो रहा है? NATO, किसको बोलते हैं NATO? नेट असेट्स टेकन ओवर, यूज करते हैं ना ये वाला वर्ड। PC, परचेज कंसिडरेशन, जो वेंडर कंपनी को परचेजिंग कंपनी पैसा देता है। NATO 500 करोड़ है, PC 430 करोड़ है। कॉपी में लिखना आपको, कितने का गेन है? करोड़ है। जो अभी अभी इंटर पास किया है उसको तो याद होगा, आप लोगों को याद है कि नहीं मालूम नहीं, कब पास किया आप? अभी पास किए? हाँ तो ग्रुप 2 हुआ तब तो आप बोल ही देंगे, अभी अगर हुआ तो आप बताइए ये वाला प्रॉफिट हम लोग कहाँ डालते हैं? AS में। इस प्रॉफिट को हम लोग कहाँ पे क्रेडिट करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। ये बच्चे नहीं बोल रहे पर आप लोग दोनों को याद है, ये कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करते हैं। IFRS वाला लोग PL में भेज देता है, स्टेटमेंट ऑफ P&L, इनकम, प्लेन प्रॉफिट। जब ये रूल हम लोग के सामने आया तो हम लोग बोले ऐसा अगर हम लोग अलाउ कर दें तो हिंदुस्तान में तो कंपनियां ऐसे करके प्रॉफिट पैदा करने लग जाएंगी। बोला धंधा करके प्रॉफिट नहीं आ रहा, अमलगमेशन करके PL में प्रॉफिट ले आओ। बोलिए हां, फिर उसे डिविडेंड भी देने लग जाएंगी। PL में जाएगा तो फिर डिविडेंड भी देगी ना। तो मेरे को याद है, साल याद नहीं बट यहीं पे ये जो ललित सूरी वाला होटल है ना, ये जो ग्रेट ईस्टर्न होटल, क्लासरूम से वॉकिंग डिस्टेंस ही तो है, 2 मिनट लगेगा। यहां पे ग्रेट ईस्टर्न होटल में इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट आए हुए थे, उस वक्त प्रेसिडेंट थे अमरजीत चोपड़ा, आप पता करिएगा कौन से साल में थे, वो आए हुए थे। इस चीज को लेकर के उन्होंने डिस्कशन किया वहां पे उस मीटिंग में, एंड ही सेड कि बाप रे बाप, इस रूल को हम लोग मान ही नहीं सकते थे। P&L में डालने वाला, और ये बड़ा चीज है ना जी, P&L में जाना और बैलेंस शीट में जाना, बिकॉज यू आर टेकिंग टू कैपिटल रिजर्व, टेकिंग टू बैलेंस शीट, और अगर P&L में डाल रहे हो ट्रीटिंग इट एज एन इनकम, यस और नो? तो बोला हमारे यहां तो बवाल हो जाएगा इंडिया में, तो हम लोग इसको मानेंगे नहीं, हम लोग इसको कैपिटल रिजर्व में ही ट्रांसफर करेंगे। नीचे लिखो, एज पर IFRS दिस प्रॉफिट ऑफ 70 क्रोर्स इज क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ P&L
पैरा चेंज करके लिखो, एज पर इंडेस, इंडेस का नंबर है 103, इंडेस का नंबर है 103, जाइए बुक में पलटिए, 103 का नाम देखिए, बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन मतलब अमलगमेशन, दो बिजनेस कंबाइन करता है, वी कॉल इट अमलगमेशन, इंटर में जिसको अमलगमेशन बोलते थे फाइनल में उसको बिजनेस कॉम्बिनेशन बोलेंगे। ओके, क्या लिखा, एज पर इंडेस 103 सच गेन्स विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व एंड डायरेक्टली टेकन टू द बैलेंस शीट। बी में लिखो, बी अच्छा, ये जो कार्व आउट है, जब अपन लोग इंड एस 103 पढ़ेंगे तो ये कार्व आउट वहां पे आएगा, अभी तो खाली इसलिए पढ़ा रहे हैं कि कार्व आउट क्या होता समझ तो लें एक बार, इंड एस पढ़ रहे हैं बार 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 कार्व आउट वर्ड आएगा, कार्विन वर्ड आएगा, तो इसको जानने के लिए ये वाला खाली एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल बी, लिखो क्या होता है, बियरर प्लांट, पढ़े हैं, इंटर में था, इंटर में था सर, कौन से वाले एस में था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, फिक्स्ड असेट वाले एस में था, क्या होता है बियरर प्लांट, मैं बताता हूं, कोई बात नहीं, आपको याद नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, कहां से याद रह जाता है, कहां से लेगा। बियरर प्लांट का मतलब हुआ ऐसा लीविंग, LIVING, ऐसा लीविंग प्लांट जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पैदा करके देता है और हम उसको एक साल से ज्यादा यूज करने के लिए रखते हैं, प्रोड्यूस को नहीं प्लांट को। द बेस्ट एग्जाम्पल इज ऑरेंज ऑर्चर्ड, लिखो लिखो लिखो, टी गार्डन, ग्रेप वाइन का स्पेलिंग ठीक है क्या, चेक कर लेना, अगर रॉन्ग है तो मैं चेंज कर लूंगा। कॉमन क्या है तीनों में, हाँ बोलना, तो तुम अपना बात को विड्रॉ क्यों किया, वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बोला तो तुम भी राइट है, वो भी राइट है, दोनों को मिला के एग्जाम में लिखना है, दोनों सेंटेंस लिखना है। तो पहले वाले बच्चे ने बोला कि सर ये सबका लाइफ बहुत बहुत साल का होता है, ऑरेंज ऑर्चर्ड बन गया तो क्या ऑरेंज खत्म, तो ऑर्चर्ड भी खत्म या अगला बार भी देगा वो ऑरेंजेस, देगा ना अगला बार ऑरेंजेस, टी गार्डन, एक बार पत्ता निकाल के तोड़ करके चाय पत्ती बना लिए, उसके बाद तो टी गार्डन है, अगला बार फिर तो पत्ती निकलेगा उसमें। तो दीज काइंड ऑफ असेट्स आर कॉल्ड बियरर प्लांट, क्लियर, नीचे लिखो, एज पर IFRS ए बियरर प्लांट इज ए क्या लिखा, देखो, बायोलॉजिकल असेट एज पर IFRS लिखा है ना, हाँ, एंड मेजर्ड एट
फुल फॉर्म बोलिए, 100 रुपया का अवार्ड देंगे। खाली फुल फॉर्म का 100 रुपया है गेस करने का। पहला दिन भी अवार्ड जीत के जा सकते हो। पहला दो वर्ड फेयर वैल्यू है, राइट है। चल फिर तो बोल देगा भाई। एकदम राइट है, एकदम राइट, ऑलमोस्ट यू आर देयर। नहीं बोल पाओगे तो बहुत दुख होगा। चले मैं हिंट देता हूं, एनआरवी, एनआरवी है ये, एनआरवी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, नेट रियलाइजेबल वैल्यू का दूसरा नाम है। हेलो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू का दूसरा नाम है। तो फेयर वैल्यू पे मेजर करना है बेटा बायोलॉजिकल असेट को। बियरर प्लांट इज ए बायोलॉजिकल असेट एज पर IFRS एंड इट विल बी मेजर्ड एट एनआरवी। एनआरवी लिखना अलाउड नहीं, लिखोगे क्या? फेयर, ये है एनआरवी बट द वर्ड दैट यू विल यूज इज दिस। ये नहीं यूज करोगे मार्क्स कटेगा। इट विल बी मेजर्ड एट ए फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एज पर IAS 41। ओके, नीचे लिखो एज पर इंड एस। बोलिए, इंटर में पढ़ते थे क्या? ये अभी तो बोल के गए इंड एस के हिसाब से, या एस के हिसाब से क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। लिखो एज पर इंड एस इट इज ए फिक्स्ड असेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। property plant and equipment and normally measured at, अभी नहीं बोलोगे तो हम बहुत जोर डांटेंगे। एक fixed asset को normally India में कैसे measure किया जाता है? cost less depreciation। लिखो measured at cost less डेप्रिसिएशन। हाउ एवर देयर इज एन ऑप्शन ऑफ रिवैल्युएशन मॉडल ऑल्सो, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्युएशन मॉडल। देखो तो ये वर्ड याद आया क्या? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में दो मॉडल है ना, यू कैन ऑप्ट फॉर कॉस्ट मॉडल, नहीं तो आप रिवैल्युएशन मॉडल में भी जा सकते हो। तो ये इंड एस की कहानी है। ये इंटर का बुक हम आपके सामने रखते हैं, यहां देखिए प्रॉपर्टी प्लांट इंटर का है। प्लीज अपन को दूसरा पढ़ना है, खाली मैं याद दिला रहा हूं कि आपके सिलेबस में था, आप पढ़े होंगे, आप पूरा भूल गए हैं। ये देखिए बियरर प्लांट, हेलो दिखा बियरर प्लांट सामने, देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ो लाउडली। इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। यहां पे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या है? टी गार्डन ही एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, उसी को उठा के बेच दो क्या? चाय का पत्ती, टी लीफ। यहां पे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या है? ऑरेंजेस, ग्रेप्स, और ये जो ग्रेप वाइन है, टी गार्डन है, ऑरेंज ऑर्चर्ड है, ये क्या है? बियरर प्लांट। तो हम लोग बियरर प्लांट को क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते, IFRS क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता, नाम तो बोले। तो हम लोग बियरर प्लांट को बोलते हैं PPE, बायोलॉजिकल असेट नहीं बोलते।
वो लोग बियरर प्लांट को बायोलॉजिकल असेट बोलता है, पीपीई नहीं बोलता। क्लियर? टू, वो लोग कैसे मेजर करता है, वो लोग मतलब अब आईएफआरएस ना, वो लोग कैसे मेजर करता है बियरर प्लांट को, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और हम लोग कॉस्टलेस डिप्री, हम लोग का फिक्स असेट है ना यार, तो हम लोग कॉस्टलेस डिप्रिसिएशन पे जाएंगे ना। और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल कोई ऑप्ट करता, करता नहीं कोई भी इंडिया में, अगर कोई ऑप्ट करता है तो रिवैल्यूएशन मॉडल में जाएगा, बट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का स्टोरी हम लोग क्या नहीं है। ये चेंज हम लोगों ने किया, ऐसा बहुत सारा चेंजेस है। जैसे एक चेंज आप दो दिन के बाद ही पढ़ेंगे, एक चेंज है, कोई लोन है लॉन्ग टर्म लोन हम लिखा रहे हैं, पहले बोल देते हैं सी लिखा कर क्लोज करेंगे, एक लॉन्ग टर्म लोन है, हम लोगों का ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गया, बैंक से लोन लिए थे, कंडीशन ब्रीच हो गया, लोन बिकेम रिपेएबल ऑन डिमांड, लोन नॉन करेंट है, लॉन्ग टर्म है, रिपेएबल ऑन डिमांड हो गया मतलब करेंट हो गया। हेलो, देखिए कितना इंटरेस्टिंग बात बोलेंगे, थैंक यू। क्या नॉन करेंट और करेंट में दिखाने से कोई बहुत बड़ा इशू होता है? सो फार एज बैलेंस शीट टैली इज कंसर्न्ड, इट इज नॉट एन इशू, बट सो फार एज कंपनी का सॉल्वेंसी इज कंसर्न्ड, इट इज एन इशू। इफ इट्स ए करेंट लाइबिलिटी, इट्स ए प्रॉब्लमेटिक थिंग। हम 25 साल का लोन लिए हैं 2000 करोड़ रुपया, अचानक उसको करेंट लाइबिलिटी में दिखाना पड़ जाएगा, मेरा इन्वेस्टर लोग बवाल कर देगा, कहां से लाएगा 2000 करोड़ रुपया? नहीं समझे? अरे लोन को तो साला असेट में लगा दिए ना, लोन का पैसा लेकर के तो लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी खरीद लिए। अभी एक तो ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ, कोई पेपर सबमिट नहीं कर पाए, मान लो अब लोन है तो स्टॉक का स्टेटमेंट भी मांगता है, बहुत सारा पेपर ऊपर मांगता है, मान लो हम नहीं दे पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, एंड द लोन बिकेम रिपेएबल ऑन डिमांड, क्या हो गया बताओ? तो ए नॉन करेंट लाइबिलिटी बिकेम ए करेंट लाइबिलिटी इन आवर बैलेंस शीट। आईएफआरएस बोलता है कुछ नहीं होगा, करेंट लाइबिलिटी में ही दिखाना होगा, नो रिलैक्सेशन, नथिंग, गोली मारो सब, खत्म करो। इन डेज बोलता है अगर ईयर एंड के बाद, हेलो, इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, याद करिए, ऐसा कुछ एस पढ़ते थे, एस फोर, हाँ वाह, इवेंट अकरिंग आफ्टर, हमारे यहां पे इंड एस 10 है, इंड एस 10, अगर ईयर एंड के बाद आप बैंकर से जिसका लोन है, अगर आप ब्रीच को रेक्टिफाई कर देते हो और बैंकर एग्री हो जाता है कि इट इज नॉट रीपेएबल ऑन डिमांड, जो कि इंडिया में नॉर्मली हो जाता है, वो छोटा चीज है ये, तो इंडिया वालों ने इंड एस में क्या किया तुम बोलो? हम तो माहौल बना दिए, इसको नॉन करेंट लाइबिलिटी में दिखाना अलाउ कर दिया। क्या कंडीशन है? खाली ब्रीच रेक्टिफाई हो जाना चाहिए और बैंकर मस्ट अग्री कि इट इज नॉट रीपेएबल ऑन डिमांड, इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट में अगर ये काम हो जाता है, IFRS doesn't give a damn about it, but Ind AS gives an exemption कि you are rather allowed to treat this current liability as non-current liability in the balance sheet. लिखो C number. If there is a breach of conditions of a loan and the loan becomes repayable on demand,
देखिए जहां पे ब्रीच ऑफ कंडीशन लिखे हो ऑफ ए लोन लिखे हो ठीक से, ठीक है, डिमांड कॉमा करके लिखो, ए नॉन करेंट लायबिलिटी बिकम्स क्या लिखा, ए करेंट लायबिलिटी, क्लियर। अब नीचे लिखो एज पर IFRS इट विल रिमेन ए करेंट लायबिलिटी, ठीक उसके नीचे लिखो एज पर इंड एस इफ द ब्रीच इज रेक्टिफाइड एंड द लोन इज नो लॉन्गर पेएबल ऑन डिमांड कौन से दो दिन के अंदर अंदर ये काम होना चाहिए, बैलेंस शीट डेट और बैलेंस शीट साइनिंग डेट, याद है ये वाला वर्ड AS4 वाला, नो लॉन्गर रिपेएबल ऑन डिमांड ब्रैकेट में लिखो After the balance sheet date, but before the date of approval. Bracket खत्म करो, comma दो और लिखो We will show the loan as जवाब दीजिए नॉन करेंट लायबिलिटी। तो इस तरह का ना बहुत सारा कार्व आउट है, आप लोग अलग अलग इंडेस के टाइम पे पढ़ोगे। ओके एक बार खाली बुक में यहां पे देखो, आप अपना बुक मत पलटना, मेरा बुक रहने दो, इसी को देखो, आपके पेज नंबर 29 में है, बट आप छोड़ो ना, यहां से देख लो ना। ओके और इस तरह से करके हम लोग अलग अलग इंडेस में कार्व आउट को पढ़ेंगे। ये क्लोज कर दो, कॉपी में लिखो नया पैराग्राफ, कार्व इन पैराग्राफ नंबर बोलो 6। ये क्या होता है मैं आपको पहले बता दूं, देन अ नोट देन एन एग्जांपल। ओके देयर इज ओनली वन कार्विन, देयर इज ओनली वन कार्विन। ओके सुनिए, अगर IFRS में कोई चीज को लेकर के कोई रूल नहीं है, है ही नहीं वहां पे, वो सिचुएशन ही नहीं है, हमारे यहां पे हमको वो रूल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम कार्विन करके एक ठो रूल ला करके उसमें डाल देंगे, दैट इज कॉल्ड कार्विन। आपको वो वर्ड याद है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, यस नो वर्ड याद है, उसको सीए फाइनल में बोलते हैं CCT 100 rupees। क्या बोलते हैं CCT कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन, क्या बोलते हैं कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन, ये नाम है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर का। ओके लिखो कॉपी में,
इफ एन इंड एएस रिक्वायर्स ए रूल विच इज नॉट एट ऑल एग्जिस्टिंग इन IFRS, then the rule is introduced in the form of a carve in full stop. पैरा चेंज करके लिखो एग्जाम्पल कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन विच वी नो एज अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर is the only carve in Ind AS 103. बस इस पे और कुछ बात करने का नहीं है. जब कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन हम लोग पढ़ेंगे ना मुन्ना, तब हम लोग इस चीज को देख लेंगे. कॉपी में लिखो पैरा 7. बैलेंस शीट को हम लोग बैलेंस शीट बोलते हैं. IFRS वाला लोग बोलता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. P&L को हम लोग P&L बोलते हैं. वो लोग बोलता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. तो इसमें कोई बहुत अकाउंटिंग फैकाउंटिंग का चेंज हो गया? खाली नाम चेंज हुआ. नाम चेंज हुआ. दो चेंजेस आर कॉल्ड टर्मिनोलॉजी रिलेटेड चेंजेस. लिखो 7 का ए. बैलेंस शीट इन इंड एएस इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन इन IFRS. बी में लिखो स्टेटमेंट ऑफ P&L. बी में लिखो स्टेटमेंट ऑफ P&L is called statement of comprehensive income book में paragraph number 2 को देखो. आपके देखिए तो पैरा 1 में टिक लग गया क्या बच्चा? कोई भी पैरा जब हम लोग पढ़ लेते हैं तो उस पर टिक लगा देंगे हम लोग हमेशा. ओके, पैरा 2 को रीड करो. आपके पास 2 मिनट है. हम दिखा दें यहां पे भी देख सकते हो.
आप लोग जब एडमिशन लेंगे बुक नहीं मिला आपको? ओ तो जाके नहीं लिए बुक? ओ ओके ओके ओके। तो हम ना आज आपको बहुत सारा चीज पढ़ने बोलेंगे, तो हम उसका वो भेज देंगे, क्या नाम, पीडीएफ आपको ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है? जिसके पास बुक है वो पढ़ करके आएगा कल, बहुत मेहनत वाला क्लास है कल वाला, ओके? करना होगा, नहीं रीड करके आओगे तो बहुत दिक्कत होगा, बिकॉज वो बहुत बोरिंग टाइप का क्लास है, अलग ही टाइप का क्लास है। पहले पढ़ो इस पैरा टू को, देखो सब कुछ ठीक ठाक समझ में आ गया क्या, एवरीथिंग इज ओके, या कुछ पूछना है आप लोगों को? इज एवरीथिंग ओके? पैराग्राफ नंबर 5 में चले जाओ। ये सारे नाम खाली देख लो, प्लीज याद करने का जरूरत नहीं है, जस्ट सी द नेम्स, जस्ट सी द नेम्स। जयलक्ष्मी आपके पास वो पहुंच गया, क्या नाम, फोटो इसका मोबाइल में? आयुष वर्मा ग्रुप में देखो आपके पास ये नोट है। सर, हाँ बोलिए। हम पूछ रहे थे कि आईएसआरएस में जो नाम है स्टैंडर्ड्स का, वो इंडिया से भी सेम? एकदम सेम, एकदम सेम, एकदम सेम, कोमा फुल स्टॉप के साथ सेम। पढ़ लिए नाम सब? गुड, जरा देखिए तो एक बार ये, जरा जो भी हम लोग दो घंटा पढ़े अभी, 1 hour 45-50 minutes, क्या इसका जरूरत, टिक लगाए देखिए किसका, क्या इसका जरूरत रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अभी 7-8 साल पहले हुआ होगा? देखिए और बताइए क्या इसका जरूरत। नाम क्या है इसका? फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडेस। जरूरत पड़ा होगा ना अभी, कब पड़ा होगा? ईयर बताइए, ईयर बताइए, ठीक से आप बोल पाएंगे? आप लोग मेहनत करिए। 1416 ईयर बोलो तो 2016-17 बोला करो। क्या बोलेगा? 2016-17। एक नया चीज सुनाते हैं आज, बाकी कल पढ़ाएंगे। जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम अडॉप्शन करती है ना इंड एस का, उसको 3 बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, 2 नहीं, 3 बैलेंस शीट। गेस कर सकते हैं कौन सा डेट का? एक तो करेंट ईयर का बैलेंस शीट, एक प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट, और एक है प्रीवियस ईयर का फर्स्ट डेट का बैलेंस शीट। नहीं समझे? 31-3-16 ये तो नॉर्मल है भाई। अगर 16-17 में आप अप्लाई किए पहली बार, तो 31-3-17 का एक बैलेंस शीट बनेगा, 31-3-16 का कंपेरेटिव बनेगा, एक बैलेंस शीट और बनेगा 1-4-15 तो यही है 1-4-15। ये ऐसा कोई चीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं था कि कभी 3 बैलेंस शीट भी बनाना पड़ सकता है। वी हैव नेवर स्टडीड दिस। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। वी कॉल इट 3 बैलेंस शीट अप्रोच। सो एनी कंपनी विच इन एनी गिवन ईयर व्हेन अप्लाइज इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, इट हैज टू प्रिपेयर 3 बैलेंस शीट्स। I'll show you now, हाँ। पहला बैलेंस शीट नॉर्मल, दूसरा बैलेंस शीट नॉर्मल, एक और बैलेंस शीट
बताइए कौन सा डेट का, 1/4/15 मत बोलना, डेट को नॉलेज के हिसाब से बोलो। यस, एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। और ये जो तीन बैलेंस शीट अप्रोच है ये और भी बहुत सारे टाइम पे बनता है इंडेस में, वो आपको टाइम टू टाइम हम बताएंगे। ओके, एक बार आप एक कोई भी इंडेस बैलेंस शीट को देखो, पहले आप इस बैलेंस शीट को देखो, कल पढ़ेंगे हम लोग ये वाला चीज, कल का तैयारी है। इंडेस कंप्लायंट बैलेंस शीट ऐसा होता है, बेसिकली क्या फर्क देखे बोलो तो, तुम जो इंटर में बनाते थे, हाँ हम लोग लायबिलिटी साइड को ऊपर लिखते थे, असेट साइड को नीचे, ये सब कल पढ़ेंगे, हाँ कल का पढ़ाई है ये, असेट साइड को नीचे लिखते थे, इंड एस वाले लोग असेट्स को ऊपर लिखते हैं, लायबिलिटीज को नीचे लिखते हैं। एक बार जरा पी एंड एल को देखिए तो, इनकम है, एक्सपेंस है, नीचे एक तो नया चीज देखिए, ये नहीं सुने ना नाम, कल सुनेंगे, ये कल का पढ़ाई है और कल इसी में ही पूरा टाइम निकल जाएगा। क्या देखिए नया चीज, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसको बच्चों बोला जाता है, ये पी एंड एल का सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट, और ये पी एंड एल का फर्स्ट पार्ट है। पी एंड एल के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्रीहेंसिव इनकम, सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कॉम्प्रीहेंसिव इनकम को कॉम्प्रीहेंसिव इनकम नहीं बोलेंगे। यहां देखिए कॉम्प्रीहेंसिव इनकम नहीं लिखा हुआ, नॉर्मल पीएल है, और यहां पर अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम लिखा हुआ है। हेलो, और फिर दोनों को टोटल किया गया, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसमें सीआई भी आ गया और ओसीआई भी आ गया। सो अगर समझ में आया दो तीन लाइन तो बताओ, जो सीआई है वो क्या है, नहीं कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मत बोलो, वो नॉर्मल इनकम एक्सपेंस है जो इंटर में भी आप बनाते थे, इंटर का जो पीएल बनाते थे ना, वो पीएल आज भी पीएल बनेगा, बस उसको कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आईएफआरएस बोलता है, हम लोग नहीं बोलते। तो सर हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कुछ नहीं बोलते, पीएल फर्स्ट पार्ट, ये पीएल है बस, आईएफआरएस में यहां लिखा रहेगा कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, हम लोग नहीं बोलेंगे, हमारा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ये। नाउ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या क्या चीज आता है, क्या हम लोग लेंगे, वी विल लर्न इट इन द नेक्स्ट क्लास, अभी आपको टेंशन नहीं लेने का है। ओके, सो एक बार मैं इसको रखता हूं, एक बार इस बैलेंस शीट को देखो, क्या दिखा जल्दी बोलो, दिखा तीन बैलेंस शीट, उसमें तो नहीं दिखा, ये फर्स्ट टाइम अडॉप्शन है, देखिए ये फर्स्ट टाइम अडॉप्शन है, ईयर देखिए 31/3/2017 फर्स्ट टाइम वही था ना, 16/17, देन 31/3/16 प्रीवियस ईयर, एंड देन 1 April 2015। तो इस तरह का ना कोई भी चीज जो बड़ा चीज होगा ना, हम रिलायंस का बैलेंस शीट आपके सामने रख के आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे,
तो उसे थोड़ा सा, बोलते हैं ना कि देखने से विश्वास होता है, तो थोड़ा सा आपको भरोसा आएगा। सो आज की क्लास खत्म करते हैं। हमको ये बताओ, आज थोड़ा जल्दी छोड़ रहे हैं, नहीं हमको एक बात बताओ, देखो पंचू एक बार रिकॉर्डिंग जरा बंद कर दे, आप लोग को मॉर्निंग में ही क्लास करना है कि इवनिंग? अच्छा अभी आप लोगों के पास ऑफिस जाने के लिए नहीं, थोड़ा देर